सीतापुर के शिवदासपुरा से। दरअसल एमटीएस परीक्षा में डमी परीक्षार्थी पकड़ा गया है। सीतापुरा की एक कॉलेज से फर्जी छात्र को गिरफ्तार किया गया। उमेश मीणा की जगह ऋषि कुमार परीक्षा दे रहा था। हरिओम मीणा ने छात्र को फर्जी परीक्षार्थी बनाकर परीक्षा दिला दी। आरोपी हरिओम है विधायक ओम प्रकाश हुडला का भाई, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने ऋषि कुमार और हरिओम को गिरफ्तार कर लिया है। शिवदासपुरा थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो अपने आप में ये मामला पेचीदा, क्योंकि हरिओम मीणा ने छात्रों को फर्जी परीक्षार्थी बनाकर परीक्षा दिलाई है और जो आरोपी हरिओम मीणा है वो विधायक ओम प्रकाश हुडला का भाई बताया जा रहा है, ये अपडेट मिल रहा है। और पुलिस ने ऋषि कुमार और हरिओम को गिरफ्तार कर लिया है। शिवदासपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एमटीएस की परीक्षा थी जहां डमी परीक्षार्थी पकड़ा गया, वीडियो सामने आ चुका है और जो डमी परीक्षार्थी पकड़ा गया है उसकी तस्वीरें भी। आरोपी हरिओम और जो फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दे रहा था उसको भी पकड़ा गया है। तो ऋषि कुमार और हरिओम को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सत्यनारायण, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, देखा जाए तो अपने आप में पूरा मामला पेचीदा है, क्योंकि आरोपी हरिओम विधायक ओम प्रकाश हुडला का भाई बताया जा रहा है। पूरे मामले को विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए पूनम, ये परीक्षा हुई थी अपने सीतापुरा में जो तो कॉलेज है वहाँ पर परीक्षा हुई थी, जिसके अंदर एमटीएस के अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई थी, जिसके अंदर उमेश मीणा के स्थान पर ऋषि कुमार परीक्षा दे रहा था। और ऋषि कुमार से बातचीत सामने है तो उसने कहा कि मुझे हरिओम मीणा ने छात्र को हरिओम मीणा ने मुझे भेजा है और उसने ही मुझे पैसे देने की बात कही थी। जब पुलिस ने उससे और पूछताछ करी तो उसने बताया कि मैं जो विधायक है ओम प्रकाश हुडला उनका छोटा भाई हूँ, लेकिन पुलिस के पास पूरे सबूत थे कि हाँ इन्होंने चीटिंग करी है, जो परीक्षा नियमों का उल्लंघन किया है, ऐसे में उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है जिससे कि ये सामने आ सके कि डमी कैंडिडेट उस परीक्षा में कौन कौन बैठे थे और किस चीज को गिरफ्तार और करना बाकी है। हालांकि गिरोह का सरगना कमल कुमार मीणा बताया जा रहा है और इस डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाने के लिए कितने पैसे लेन देन की बात है उस बारे में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूनम, चलिए, और इस पूरे मामले का खुलासा किस तरीके से किया गया, कैसे पहुंचे यहाँ पर पुलिस के तहत? देखिए इसके अंदर जब परीक्षा हो रही थी तो उसके अंदर आधार कार्ड और जो अभ्यर्थी था उनके तस्वीरें मिलाई गई, साथ साथ उनके रोल नंबर और आधार कार्ड में जो क्रमांक होते हैं उनके अंदर भी काफी अंतर था। ऐसे में पुलिस को शक हुआ। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके बाद में सामने आया कि इस व्यक्ति को दूसरे किसी व्यक्ति के साथ परीक्षा देने के लिए आया है। तो उसे जब नाम पूछा तो उसने बताया कि हाँ मुझे हरिओम मीणा ने परीक्षा देने के लिए भेजा है, उसके लिए पैसे देने की बात भी हुई थी। ऐसे में हरिओम मीणा को भी गिरफ्तार किया गया और फर्जी अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर और कौन कौन आरोपी शामिल है। पूनम, चलिए शुक्रिया सत्यनारायण तमाम अपडेट देने के लिए।